देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डिस्कस किया हुआ था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंट डब्ल्यू बाई वी, परसेंट वी बाई वी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम, है ना। ये टोटल फोर क्वांटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से नंबर फाइव, नंबर फोर इज परसेंट डब्ल्यू बाई वी। परसेंट डब्ल्यू बाई वी का मीनिंग क्या होगा? परसेंट डब्ल्यू बाई का मीनिंग क्या होगा? द वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी द वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। क्लियर है? उसको हम बोलेंगे परसेंट डब्ल्यू बाई वी। यहां पे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मीनिंग क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो यहां से इसका इक्वेशन क्या बनेगा? परसेंट डब्ल्यू बाई वी इज इक्वल टू, वैसे ही वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहां पे वॉल्यूम है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रहे कि अपॉन में हमेशा सॉल्यूशन ही आता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ 100। तो फिर इसका मीनिंग क्या हुआ? वेट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड परसेंट डब्ल्यू बाई वी। चलिए यहां से फिर से कंक्लूजन निकाल रहा हूं, एक्स परसेंट डब्ल्यू बाई वी का मीनिंग क्या होगा? तो सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना होगा? एक्स ग्राम। सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम, है ना। यहां पे सॉल्यूशन ml में आएगा, तो 100 ml। क्लियर है? बिकॉज यहां पे वॉल्यूम है। और मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करूंगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जनरली 100 माइनस एक्स ग्राम। तो वॉटर के केस में वॉल्यूम है ना, वी वेट और उसका वॉल्यूम दोनों इक्वल होता है। तो वॉटर के केस में यहाँ पे वेट भी ले सकते हैं या तो फिर एमएल वॉल्यूम भी ले सकते हैं। क्लियर है ना? वेट या तो वॉल्यूम, जनरली वॉल्यूम ले सकते हैं। तो 100 माइनस एक्स, ये सॉरी ये वेट में है ना, तो 100 ये ग्राम में ही आएगा, ग्राम में, बिकॉज यहाँ पे ये ग्राम में है। समझ गए? तो ये था अपना परसेंट डब्ल्यू बाई वी। नेक्स्ट ये आ गए परसेंट वी बाई वी। परसेंट वी बाई वी इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं उसको अपन? हम नंबर फाइव इज परसेंट वी बाई वी। परसेंट वी बाई वी इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वैसे ही वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंट वी बाई वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें आएगा? ml में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें आ जाएगा? ml में, और ऊपर में मल्टीप्लाई 100, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है ना। तो इस केस में अपना इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ गए बच्चों? तो उस केस में क्या आ जाएगा अपना? परसेंट वी बाई वी आ जाएगा। चलिए अब कंसेप्ट अप्लाई करते हैं यहां पे। कंसेप्ट क्या है? नोट एक्स परसेंट वी बाई वी मीन्स, सोल्यूशन लगा देते हैं, एक्स परसेंट वी बाई वी सोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा? तो मीनिंग क्या होगा बताइए बच्चों? वैसे इस केस में जैसे आपने अप्लाई किया था, तो क्या मीनिंग होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या जाएगा? एक्स एम एल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज एक्स एम एल। वॉल्यूम ऑफ ये सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 100 एम एल आ जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 100 माइनस एक्स एम एल। क्लियर है? बहुत इजी है, सिंपल है, याद रखिए इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे इसका एक, यहां पे मैं एग्जांपल करवा देता हूं। एग्जांपल ये है 5% वी बाई वी इथेनोलिक
इथेनॉल हाँ 5% बी वाई वी इथेनॉलिक सोल्यूशन। इथेनॉल का सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है इन वॉटर, है ना, ये ध्यान रखिए वॉटर के अंदर है। तो इथेनॉलिक सोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, चलिए बच्चे मीनिंग क्या होगा, इथेनॉल कितना प्रेजेंट होगा, इथेनॉल कितना होगा 5 ml बराबर है। वॉटर कितना होगा, पहले टोटल सोल्यूशन कितना होगा, तो सोल्यूशन कितना आ जाएगा बताइए, परसेंटेज है तो आंख बंद करके 100 ml, ये कितना 100 - 5 तो कितना आंसर आ जाएगा 95 ml। क्लियर है सबको, तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म्स की ओर, जिसका नाम है पीपीएम। क्या है पीपीएम, चलिए बच्चों तो यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। 6 इज पीपीएम। पीपीएम का मीनिंग क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म है पीपीएम। पीपीएम का मीनिंग होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, तो देखिए तुम्हें पता होगा 1 मिलियन कितना होता है 10^6 है ना, तो ये ध्यान रखना। तो यहां पे क्या बनेगा, देखिए यहां पे ऐसा बनेगा इसका डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट या तो वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन 10^6 ml ऑफ ए सोल्यूशन। जैसे यहां पे क्या परसेंटेज, यहां पे इसका डेफिनेशन क्या बन रहा था, वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट या तो अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज यहां पे परसेंटेज है तो 100 ml लेंगे, नेट वॉल्यूम कितना आएगा 100। और इस केस में मिलियन है तो मिलियन के केस में क्या आने वाला है 10^6 ml ऑफ सॉल्यूशन, समझ गए। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, पीपीएम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसमें लेंगे, ग्राम में ले सकते हैं, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, कोई लिक्विड फॉर्म में है तो अपन वहां पर लिक्विड भी ले सकते हैं ना, तो ध्यान रखिए दोनों ही केस में अपन उसको ले सकते हैं, जनरली सॉलिड लेते हैं, मल्टीप्लाई 10^6, बिकॉज यहाँ पे पीपीएम है तो 10^6 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज को फॉर्म में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम और ml, लीटर नहीं है ml, ये ध्यान रखिए, अपॉन क्या जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें भी लेंगे हम ml में लेंगे, बिकॉज यहाँ पे ग्राम ml है तो यहाँ भी अपन ml में लेंगे, तो ये अपना ppm आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला को बार बार लिखिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला में हल्का सा भी मिस्टेक होगा आपका आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए कहीं भी कंसेप्ट के अंदर मिस नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट में कोई भी मिस्टेक किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो उसको इसके लिए आपको बार बार फॉर्मूले को लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे आप घर पे, उसको बार बार लिखो, एक बार देख के लिखो फिर दूसरी बार बिना देखे लिखो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वहां से चीजें क्लियर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं, जिसमें बोला 2 ppm CaCO3 सॉल्यूशन, ध्यान रखना CaCO3 सॉलिड मटेरियल है ना, वो 2 ppm सॉल्यूशन उसका है, गिवन है, तो उस केस में अपन क्या बोल सकते हैं बताइए बच्चों फटाफट, 2 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन, है ना, 2 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है 10^6 ml ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मैं इसको लिखता 2% W by W, तो 2% मतलब क्या जाएगा उसका वेट कितना जाएगा 2 ग्राम, पर वहां पे 100 ml सॉल्यूशन में आएगा, बिकॉज यहां पे कितना है ppm है 10^6 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो चीजें क्लियर हो गई, यहां पे वेट कितना आ गया 2 ग्राम हो गया, सॉल्यूशन कितना हो गया, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा, वेट ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन पूरा लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 10^6 ml, बहुत सिंपल है, इसको याद रखिए। अगला जो कंसेंट्रेशन टर्म्स है 6 हो गया 7, नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म्स, हाँ एक बात ध्यान रखिए बच्चों, ये जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ टॉपिक जिसका नाम है कंसेंट्रेशन टर्म्स, जो 11th का टॉपिक है, ये सेम एज इट इज पूरा का पूरा आपको 12th में भी आने वाला है, 12th में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन,
चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के केस में ये पूरा कंसेप्ट आपको वहां पे आने वाला है ना। इसीलिए आप मोल से और कंसेंट्रेशन से कभी पीछे नहीं हट सकते हैं, उसको ढंग से आपको सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज इलेवेंथ में भी है और ट्वेल्थ में भी है, समझ गए। तो इस केस में आपको बोल रहा हूँ कि अच्छी तरह से सीखिए, चीजों को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म इज मोल मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स। कई जगह कैपिटल एक्स से भी शो करते हैं, कई जगह स्मॉल एक्स से भी शो करते हैं, जनरली कैपिटल एक्स होता है बराबर है, बट वो कहीं हर जगह टर्म अलग अलग यूज होते रहते हैं। सिंपल बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। चलिए तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन का सिंपल फॉर्मूला लिखूंगा। उसके पहले मैं यहां पे पहले बता देता हूं आपको कि हाउ टू फॉर्म सॉल्यूशन। दिस इज सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट, दोनों को कंप्लीटली मैंने मिक्स किया, होमोजेनियस मिक्सर फॉर्म हुआ है, और उस केस में वहां पे मेरे पास एक सॉल्यूशन बना, एक सॉल्यूशन बन चुका है। इस सॉल्यूट को मैंने वन शो कर दिया फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज अवर सेकंड कंपोनेंट, तो ये वन हो गया, ये टू हो गया और यहाँ पे एक सॉल्यूशन फॉर्म हो चुका है, समझ गए। तो यहां से मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, एक्स वन का मीन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, इट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का डेफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, मतलब बोलूंगा उसको एन वन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट एन वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, एन वन प्लस एन टू, तो ये हो गया एक्स वन हो गया। सेकेंड इस तरह से मुझे एक्स टू फाइंड करूंगा, एक्स टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टू, तो कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू मतलब एन टू अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स एन वन प्लस एन टू। क्लियर है बच्चों, तो x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, x2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। यदि यहां पे कोई दूसरा भी सॉल्यूट प्रेजेंट होता तो n1 प्लस n2 प्लस n3 करता मैं, समझ गए, मींस टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। तो दिस सॉल्यूशन इज बाइनरी, बाइनरी बिकॉज यहां पे केवल दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसको अपन बाइनरी बोलेंगे। तो इस केस में समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट दोनों को मैं ऐड करूंगा तो इसका जो नेट आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वन के इक्वल आएगा, समझ गए बच्चों। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है, तो आपने यदि x1 फाइंड कर लिया है तो x2 फाइंड करना है डायरेक्ट 1 माइनस x2, x1 है ना, x1 फाइंड कर लिया है, x2 फाइंड करना है 1 माइनस x1। तो यहां मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट प्लस अप टू एन कंपोनेंट, उसका आंसर कितना आएगा, वन। सबको ऐड करूंगा मैं, कंसीडर करो कि सॉल्यूशन में एन कंपोनेंट प्रेजेंट है, कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, एन कंपोनेंट, उस केस में सबका समेशन करूंगा, सभी मोल फ्रैक्शनों का समेशन करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, वन। ये अपना एक सिंपल सा कंसेप्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कंप्लीट होता है, और एन क्या है ना, तो उसको आप नोट कर लिए, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो मैं एक बार लिखवा देता हूं, मैं n1 मतलब मोल ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट है ना। चलिए तो ये क्या आएगा, तो वेट ऑफ वन अपॉन मोलर मास ऑफ वन, ये n1 हो गया। n2 क्या बनेगा, वैसे ही सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, W2 अपॉन मोलर मास ऑफ 2, तो ये N1 हो गया, ये N2 हो गया। इस तरह से N1 N2 फाइंड करना है, मोल पहले फाइंड करना है, देन मोल फाइंड करने के बाद यहाँ पे आंसर पुट करना है, वैल्यू पुट करोगे इसका तो वहां से इसका आंसर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे एंड होता है। तो इस तरह से अभी देखिए दो और कंसेंट्रेशन टर्म्स बाकी है, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मालिटी एंड फॉर्मालिटी। ये दो टर्म्स हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एन और ये डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ये जो है ना, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बच्चों, ये जो टर्म है नॉर्मालिटी एंड फॉर्मालिटी, ये जो दो कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो भी मतलब अपने सिलेबस में शायद नहीं है, तो भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मालिटी और फॉर्मालिटी को। तो देखिए उसको मैं फिर से एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ये दोनों टर्म्स को, तो ये टोटल 7 है, तो फिर 8 और 9, टोटल 9 टर्म्स हो जाएंगे अपने पास, इसको मैं रफ करता हूँ। चलिए तो मैं नॉर्मालिटी को ले रहा हूँ यहाँ पे 8 इज नॉर्मालिटी,
नॉर्मलिटी. नॉर्मलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन. समझ गए कैसे शो करेंगे इसको अपन? कैपिटल एन से शो करने वाले हैं. चलिए इसका डेफिनेशन क्या होता है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन. तो यहां से क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट. इसको शॉर्ट में इक्यू और डब्ल्यू टी लिखते हैं ना, अपॉन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इसमें आया बच्चों लीटर में. देखो मोलारिटी और नॉर्मलिटी में क्या डिफरेंस होता है वो समझा रहा हूं मैं. मोलारिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वहां पे मोल्स आता है और यहाँ पे इक्विवेलेंट आता है, इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. डिफरेंस क्या होता है वो अपने को पढ़ना पड़ेगा पहले, है ना. तो यहां से इसका मैं फॉर्मूला जनरलाइज करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे पास, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो यहां से इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम नेवल. तो ये फॉर्मूला को जनरलाइज कर देता हूं मैं, इसी को अपन हर एक इक्वेशन में अप्लाई करेंगे. समझ गए बच्चों. नॉर्मलिटी के केस में क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वीएमएल. मोलारिटी के केस में क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास 1000 अपॉन वीएमएल. समझ गए. चलिए तो ये था अपना नॉर्मलिटी. तो नॉर्मलिटी का यदि इसका यूनिट निकालेंगे अपन तो क्या बनेगा, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय लीटर, है ना, ऐसा आ जाएगा इसका यूनिट. आगे बढ़े फॉर्मलिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं. ये सिंपल सा है और इजी है, ज्यादा टफ नहीं होता है. इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कराऊंगा मैं तो वहां से और भी आपको क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से सारे कंसेप्ट और भी बेहतर. डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, व्हाट इज फॉर्मालिटी. फॉर्मालिटी मींस नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट, ना या तो मास भी लगा सकते हैं, ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर ना, बहुत इजी है. तो देखिए यहां से इसका मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो ये नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला ग्राम फॉर्मूला वेट कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट. तो ग्राम फॉर्मूला वेट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहां से इसमें क्या करना है कि वेट, है ना, वेट अपॉन, वहां पे वेट अपॉन क्या करते थे, मोलर मास करते थे, यहां पे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करते थे. यहां पे क्या करेंगे, वेट अपॉन फॉर्मूला मास. क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला मास. इससे इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वी इंटू एम एल. क्लियर है. तो यहां से इसका फॉर्मलिटी का इक्वेशन आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है. अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला मास है और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है. तो कैसे फाइंड करेंगे फॉर्मूला मास और इक्विवेलेंट वेट. तो इक्विवेलेंट वेट का तो फॉर्मूला है, इजीली है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, या तो फिर एसिडिटी बेसिसिटी, या तो फिर वैलेंसी. समझ गए. तो वहां से उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ये इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा. फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जांपल कराऊंगा वहां से क्लियर हो जाएगा. तो देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2SO4 का, तो H2SO4 जो होगा उसको आयनाइज करेंगे तो इट प्रोड्यूस 2H+ एंड SO4 2-. तो ये एसिड है, एसिड की बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, बेसिसिटी बिकम 2. तो यहां से मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी कितना आ जाएगा, 98 डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 49. कितना आ जाएगा, 49. तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 49. बहुत सिंपल है. चलिए मैं HCl की बात करूंगा तो ध्यान रखना है, HCl है
प्लस एच वन एक ही प्रोड्यूस करेगा, एच एनओ थ्री है, तो इस केस में ओनली वन एच प्लस है, तो इस केस में क्या हो जाएगा इसका इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास, दोनों ही इक्वल होगा, जैसे एनएओएच के केस में एनएओएच है केओएच है, तो इन केस में भी ऐसा ही होगा, इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास। तो ये सिंपल सा था इक्वलेंट वेट। NaCl के केस में NaCl में वैलेंसी प्लस वन और माइनस वन बनेगा, तो हाफ वैलेंसी कितना जगह वन आ जाएगा, तो NaCl का इक्वलेंट वेट और मोलर मास दोनों ही इक्वल होगा, समझ गए। तो ये था अपना इक्वलेंट वेट। अब देखिए फॉर्मूला मास बताता हूँ, फॉर्मूला मास क्या होता है। तो फॉर्मूला मास के पहले आपको सीखना होगा इंपीरिकल फॉर्मूला एंड फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला एंड फॉर्मूला मास। तो देखिए इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा, C6H12O6, ये क्या है ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। मुझे फाइंड करना है इसका फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। इंपीरिकल फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है कि इस पूरे में जो कॉमन है उसको आउटसाइड निकाल दो, तो कॉमन क्या है बताइए बच्चों, तो 6 है ना, तो 6 को मैंने कॉमन निकाल दिया, CH2O6 चला गया बाहर, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा C1H2O1, तो ये मुझे मिलेगा इंपीरिकल फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड इंपीरिकल फॉर्मूला। और इंपीरिकल फॉर्मूला का मैं मास फाइंड करूंगा, ध्यान देना इधर भी, इसका जो मास फाइंड करूंगा उसी को मैं बोलता हूँ फॉर्मूला मास, क्या बोलता हूँ फॉर्मूला मास। तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला मास, 180 होता है ग्लूकोज का, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा मोलर मास, क्या मिलेगा बच्चों मोलर मास। तो कितना होता है मोलर मास 180, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मिलता है मोलर मास, मतलब तो मॉलिक्यूलर वेट या तो मोलर मास, और इंपीरिकल फॉर्मूला से मिलता है मुझे फॉर्मूला मास, तो इसका फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिवाइड बाई 6, कितना आ जाएगा 3 जा कैंसिल आउट 30 आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 30, यहां से भी काम कर सकते हो कितना 12 + 2 + 16, समझ गए, तो यहां से भी आंसर आ जाएगा, तो आंसर इज 30, याद रहेगा फॉर्मूला मास। और भी एग्जांपल देखने हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ, मेरे पास है पोटाश एलम, क्या होता है Al2SO4 2KSO4 × 24H2, ये मेरे पास होता है एलम, ये किसका फॉर्मूला है पोटाश एलम का, समझ गए, ये पोटाश एलम का फॉर्मूला है मेरे पास, तो इसका मुझे फाइंड करना है, देखो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा मोलर मास मिलेगा, मोलर मास कितना होता है इसका, इसका होता है 987, समझ गए 987 इसका, 987 नहीं होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फाइंड कर लेना है ना, तो इजी है, उनको सिखाया हुआ है मैंने, एल्यूमिनियम का 27 है, सल्फर 32, ऑक्सीजन का, यहां से फाइंड करोगे इसका मोलर मास आ जाएगा, जो भी आएगा एक्स वाई जेड इसका मोलर मास, मींस मैं कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मुझे मोलर मास मिलता है, समझ गए, और यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर जो टर्म कॉमन होता है, जो नंबर कॉमन होता है उसको आउटसाइड निकालोगे तो जो रिमेनिंग फॉर्मूला बचेगा उसको अपन बोलते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। एग्जांपल के तौर पे यहां ध्यान रखना, यहां पे इसका इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल रहा हूं, यहां भी 2 है, यहां पे 3 + 1 ये 4 है, और यहां पे 2 है और ये 24 है, इसमें से पूरे में से 2 आउटसाइड निकल जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा ध्यान देना, के एल्यूमिनियम भी एक बचेगा, और सल्फेट कितना बचेगा 4 था तो 2 बचेगा, और वाटर 24 तो कितना बचेगा 12H2O, तो ये क्या हो गया तुम्हारा इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया, और यहां से जो इसका मास आने वाला है, जो मास आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा फॉर्मूला, फॉर्मूला मास, समझ गए बच्चों। तो सिंपल है कि सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिसाइड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो टर्म कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, तो रिमेनिंग जो पोर्शन बचेगा तो वहां से उसका फॉर्मूला मास फाइंड कर लो, और फॉर्मूला मास फाइंड करने का सिंपल तरीका भी ये क्या है कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय जो नंबर कॉमन निकल रहा है उसको डिवाइड करोगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल कराता हूं, बार बार एग्जांपल करोगे तो वहां से क्लियर होगा। देखिए मैं ऑक्सैलिक एसिड की बात करता हूं, ऑक्सैलिक
ऐसे। बच्चों किसी को पता है ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? COOH ऑक्सैलिक एसिड। फॉर्मूला क्या बनेगा ऐसे बताओ, ये इसका स्ट्रक्चर है। MF क्या बनेगा बताओ, बताओ C2H2O4। ये बनेगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यहां से इसका वेट फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, मोलर मास। मोलर मास कितना होता है 90। फाइंड करो आंसर कितना आएगा 90। तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या मिला मुझे, मोलर मास मिला। अब मैं यहां फाइंड करना है इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इस पूरे टर्म में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है 2 है, तो 2 को बाहर निकाल दूंगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा H, H को पहले लेता हूं मैं CO2, क्या बचेगा HCO2। क्लियर है HCO2। तो कितना मैंने 2 कॉमन निकाला, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा 90/2 = 45। क्लियर है एकदम। तो आपको मैंने 3 एग्जांपल से समझा दिया कि कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, कैसे फॉर्मूला मास फाइंड करना है, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, वहां से मोलर मास आता है। समझ गए बच्चों? तो आज का टॉपिक अपन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट अपन लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करने वाले हैं आगे का जो भी कंसेप्ट है स्टार्टिंग का, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, टेम्परेचर, उसके यूनिट्स होते हैं डिग्री फारेनहाइट, डिग्री केल्विन, राउंड फिगर कैसे करना, राउंडिंग ऑफ कैसे करना, है ना, ये सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू बच्चों।